अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दोस्त आवाम दोस्त और लाया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक और बहुत सारी वीडियोस। हर बंदा महंगाई से परेशान है, चाहे वो ताजिर हो या आम आवाम। हुकूमत ने जो रिलीफ पैकेज दिया है, आवाम इससे कितनी पूर्व उम्मीद है, आइए जानते हैं आवाम से क्या कहेंगे महंगाई के बारे में। ये जो हुकूमत ने रिलीफ दी, हुकूमत को क्या बोले, इतनी महंगाई है तो क्या करेगा, गरीब आदमी मर जाएगा। ये देखो कितनी महंगाई है, 500 रुपए का गला सूख जाएगा। ये क्या है, महंगाई नहीं है ये, कितनी महंगाई है। तो हुकूमत को बोलो सस्ता रद्द करे। अभी हुकूमत बोली कि हमने थोड़ा सस्ता किया, रिलीफ दे रहे हैं। ये हुकूमत करती है, गवर्नमेंट तो ये जो पैसे लेते दुकान वाले हो तो यही पैसे लेते, कम तो करते ही नहीं है, तो फिर यही पैसे लेते। हर चीज़ के रेट आपको पता है कि रेट क्या चल रहा है, जो चीज़ मतलब खाने के हिसाब से ले लें आप, राशन जो था, रोटी चावल ये सारी चीज़ें दालें वगैरह, जो चीज़ पहले 45 रुपये आटा था, आज 70 रुपये जाके अभी जाके 55 रुपये आया है। यही मेहरबानी है, कर दिया, वरना उम्मीद नहीं थी। सर क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? जो महंगाई तो बहुत है भाई, बहुत है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है, गुजारा नहीं हो रहा। तो ये जो भी हुकूमत ने रिलीफ पैकेज निकाला है, इससे कोई फायदा? कुछ भी नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा इसका। देखे पहले तो उसका भी बदतर हाल हो गया, बिल्कुल बदतर हो गया। मतलब कल 6 अरब रुपये का दिया था, रिलीफ दिया था, कहाँ कहाँ स्टोर में 15 रुपये का कोई फायदा नहीं हुआ, कहाँ है, नहीं मिला, किसको मिला, कहाँ मिला, कोई एक बंदा तो बोल्ड खड़ा हुआ मिला है। सर महंगाई के बारे में आप कमर्स ले रहे हैं, सर महंगाई के बारे में राय ये, देखें दो तरह के लोग हैं, एक तो ये कि दुकानदार खुद हुकूमत की बुराई करके सस्ती चीज़ महंगी बेच रहे हैं, इस वजह से आवाम के ऊपर डिप्रेशन आ रहा है कि महंगाई बढ़ गई। और दूसरी बात यह है कि कुछ चीज़ें वाकई महंगी हुई हैं, अब उनमें आज 100 में से 20% जो है ना आइटम महंगे हुए हैं, बाकी 80% रेट जो है ना दुकानदार खुद अपनी तरफ से इजाफी बताते हैं और गवर्नमेंट की बुराई करके आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। महंगाई अगर इतनी होती तो हर कोई बंदा यहाँ 2 टाइम का खाना खा रहा है, सुकून से नाश्ता कर रहा है, जो किराएदार है वो सुकून से किराया दे रहा है, मकसद उसका गुजर बसर चल रहा है, जो अल्लाह ने उसको रोजी रोटी लिखी है वो मिल रही है। बाकी इतना महंगाई जो फैलाया जा रहा है कि भाई महंगाई का तूफान, महंगाई का समंदर, महंगाई का सुनामी। अगर 50 रुपये महंगाई के बारे में आपने बढ़ाया है, 50 रुपये सही है, 2 रुपये कम कर रहे हो तो 48 रुपये आपको फायदा है मेरी भाई, कौन सा आपने काम किया मेरे सर पे? दुकानदार कोई झूठ बोल रहे हैं भाई, भाईजान महंगाई पीछे से आ रही, दुकानदार क्या पागल है? पहले दुकानदार कभी चीखा नहीं, चीखा भाई, पहले दुकानदार कुछ बोला नहीं, बोला अब हुई तो बोला ना, भाई को क्या पता आ जाते होंगे कहीं ना कहीं से पैसे, भाई हमने कमाना और खाना है, भाई बोल रहे हैं दुकानदार झूठे हैं, दुकानदार महंगाई कर रहे हैं, भाई दुकानदार पहले क्यों नहीं महंगाई करते थे, अभी क्यों कर रहे हैं, जब हुई है तो कर रहे हैं ना, ये भाई की बातों में नहीं आओ, भाई वैसे ही झूठे हैं कहते हैं ना आजकल। अब मैं अपनी राय दूँ, अव्वल तो इन्होंने जो बात बोली कि भाई ने ये अल्फाज बोले, मैंने ये अल्फाज नहीं कहे, मैंने ये कहा है कि 100 में से 20% जो आइटम है वो वाकई महंगी हुई हैं, बाकी 80% आइटम जो है वो दुकानदार खुद गवर्नमेंट को बुरा करके बेच रहे हैं। मेरे ये अल्फाज थे, मेरे अल्फाज नहीं थे कि महंगाई नहीं हुई या ऐसा नहीं हुआ। आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, आवाम को सर मिलना चाहिए। सर क्या कहेंगे जो हुकूमत ने भी रिलीफ पैकेज निकाला है, उससे कोई फायदा नजर आ रहा है, आवाम को फायदा होगा? नहीं, नज़र नहीं आ रहा, सब कुछ मार्केट महंगे, हर चीज़ डबल रेट है, इससे कोई फायदा नहीं होगा, आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा अभी तक, किसी को भी रिलीफ नहीं मिल रहा, हर चीज़ महंगी, आटे दाल चावल सब कुछ, कोई भी चीज़ खरीदो महंगी। क्या लगता है आपको ये जो रिलीफ पैकेज निकला है तो उससे कोई आवाम को फ़ायदा होगा, कुछ मुनासिब होगा मामला? कोई मुनासिब नहीं हो रहा है, आए दिन चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, उधर से हमारा कारोबार नहीं करने दे रहे हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, महंगाई इतना ज़्यादा हो गया कि हर बंदा परेशान हो रहा है, तो बस हुकूमत अभी क्या कह सकते हैं भाई, उम्मीदें इससे बहुत थी लेकिन ये है कि हमारी उम्मीदों पर नहीं उतरा है, आए दिन हर बंदा गरीब जितना भी है परेशान हो रहा है। आपके सामने हमारा जो है ना पहले मामला, फिर भी चलते थे कहीं ना कहीं निज़ाम चला लेते थे टिया पतारा लगा के, अभी वो भी ख़त्म कर दिया, महंगाई भी बढ़ा दिया, अब गरीब अब हम किधर जाए भाई। ये है कि आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, 15 अरब रुपये का पैकेज निकाला है, जो जहाँ पे जुड़ी जुड़ी स्टोर पर उनको आटा दाल चावल वगैरह सस्ता मिलेगा, तो लगता है आपको ऐसा होगा? पहले भी निकाला था उन्होंने, खैर
پہلے بھی نکالا ہوگا لیکن غریب عوام تک تو کوئی بھی چیز نہیں پہنچا بھائی، کوئی بھی نہیں ہے، بس جو سورس والے لوگ ہوتے ہیں وہی لے لیتے ہیں، غریب تک پہنچتی نہیں ہے چیز، تو بس مسائل ہمارے تو ادھر کے ادھر ہی ہیں، تو آپ کے سامنے ہیں بس سارے حالات، ہر بندہ پریشان ہے، حالات ایسے ہو رہے ہیں، مہنگائی اتنی زیادہ ہو رہی ہے، لوگوں کا کاروبار سارے تباہ کر رہے ہیں، نہ کہیں جو بنے ہوئے ہیں وہ بھی بگاڑ رہے ہیں، تو یہ ترتیب چل رہی ہے، بس اللہ پاک ہی رحم کرے، کیا ہو سکتا ہے، حکومت سے کوئی امید نہیں رہی ہے ابھی۔ یہ جو ابھی حکومت ریلیف پیکیج نکال لی ہے، لگتا ہے کہ اس میں کچھ عوام کو فائدہ ہوگا، آسانیاں ہوں گی؟ عوام کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ریلیف سے نہیں مل پا رہا، جو اینڈ یوزر ہم لوگ ہیں ہمیں سے کوئی فائدہ نہیں ہو پا رہا، ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، رسالوں میں پڑھ رہے ہیں، خبروں میں آ رہا ہے، لیکن ایکچوئل ہمیں وہ فائدہ نہیں ہو پا رہا جو ہونا چاہیے تھا۔ اینڈ یوزر ہمیں اب انہوں نے بولا کہ فلاں چیز کی وجہ سے مہنگائی بڑھ گئی ہے، تو آپ دیکھیں کہ مہنگائی کتنی بڑھی ہے، ہمیں اس کا نقصان ہو رہا ہے، ہم اس کا پس رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے، جو ہمیں فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ ہم تیار۔ ابھی میں کل چاول لینے گیا ہوں، کل جو پہلے میں لیے تھے 120 روپے کلو، آئے 60 روپے کلو مل رہا ہے، اب دو دن بعد جاؤ 70 روپے کلو، پچھلے وہ یہ بولتے ہیں حکومت نے مہنگا کیا، تو ہر بندہ حکومت بلیبل کر رہا ہے، تو وہ ان کو دیکھیں کہ حکومت جو اس طرح چینج ہوئی ہے ان کی، اور ہم نے کوشش کی تھی حکومت آئے تو فائدہ ہو، کہ ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہوا، جو ہمارے دل میں ارمان تھے جو تھی کہ جو کوئی فائدہ ہوگا، اس کا ہمیں خاطر کا انتظار بالکل نہیں ملا۔ بھائی نے ایک مہینہ ہو گیا، وزیر اعظم کہہ رہے تھے میں ان چوروں کو پکڑوں گا، ڈاکوؤں کو پکڑوں گا، کس کو انہوں نے پکڑا؟ میں ان کو کنٹرول کروں گا، میں مافیا کو پکڑوں گا، کسی کو پکڑا ہے تو بتاؤ؟ یہ ایسے ہی گاڑی چلے گی، ان کے بس کا نہیں ہے، چلتا رہے گا، یہ مہنگائی بھی ویسی رہیں گی، نہیں مہنگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لوگ مہنگائی کم کر جائیں۔ یہ جو ابھی پیکیج نکالا ہے عمران خان نے عوام کے لیے، تو آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی بہتری آئے گی، عوام کو کوئی ریلیف ملے گا؟ ان شاء اللہ تکلیف برداشت کی تو راحت آئے گی نا۔ تو ہم 70 سال سے برداشت کر رہے ہیں بھائی، یہ سلیکٹڈ سارے اچھے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں آپ کیا بولیں گے، صحیح ہے بالکل۔ پورا برا حال ہے، ہارون تک پانی کا، پورا وصل اعظم سے لے کے ہارون تک۔ دو مہینے سے ایسے ہو رہا ہے، یہ دیکھیں مسجد سامنے ہے، یو سی 18 نشتر روڈ نیوکلیئر اسٹریٹ گلی ہے، بلکہ پورا ایریا، یہاں مدرسہ بھی ہے لیڈیز کا، اور بالکل یہ دیکھیں سامنے سامنے کے اندر بھی سارا سین ہو رہا ہے، یہاں سے پورا نکل رہا ہے، اور روڈ تک جا رہے ہیں، نمازی آتے ہیں، ہر چیز آتے ہیں، سب کو پریشانی ہو رہی ہے، اور کوئی بھی ایکشن اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کاروبار الگ نہیں ہے، مہنگائی دن بہ دن بڑھتے جا رہی ہے، لوگوں کی آمدنیاں کم، اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں، تو پھر کہاں سے لوگوں کو ریلیف ملے گا؟ زندگی گزارنے کی جو چیزیں ہیں ان کو یہ نیچے نہیں لے کر آئیں گے، بلکہ نئے نئے ریلیف نکالتے رہیں گے اور لوگوں کو گھماتے رہیں گے۔ یہ 34 سال ہو گئے ہیں کاروبار کرتے ہوئے، اب یقین جانے کہ اتنا مندہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، ہم اپنا پیٹ کاٹ کے حکومت کے خزانے میں ٹیکس بھرتے ہیں۔ کیا کہیں گے سر مہنگائی کے بارے میں، یہ جتنی مہنگائی ہوئی ہے؟ مہنگائی تو دیکھیں ملک کا حصہ ہے، لیکن اتنی بھی نہ ہونا چاہیے کہ مزدور آدمی کی تو کچھ بھی نہ بنے، مزدور آدمی کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، لہٰذا مہنگائی پہ کنٹرول، مہنگائی کنٹرول تو دو ہی چیز سے ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے، پیٹرول سے اور کھانے پینے کی اشیاء سے۔ عوام کے لیے ریلیف پیکیج نکالا ہے حکومت نے، کون سی عوام کے لیے نکالا بھائی؟ صرف جو اپنی عوام ہے اس کے لیے، جو اپنے ادارے کے لوگ ہیں ان کے لیے ہی، عوام غریب لوگوں کے لیے، کون سی جگہ ہے ہمیں جگہ تو بتاؤ، ہم جا کے لے کر آئیں کہ کہاں پہ جو ہے نا مل رہے ہیں یوٹیلیٹی اسٹور کے اندر ہم آٹا چینی ڈالے، تو ڈیفینس کی یوٹیلیٹی اسٹور ہے نا، ایک چھوٹے مڈل کلاس ایریوں میں یوٹیلیٹی اسٹور تھوڑی ہیں، کہاں ہیں؟ نہیں یہاں پہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اب تک تو جو حکومت کی کارکردگی ہے وہ مایوس کن ہے بظاہر، کیونکہ لوگوں نے اس حکومت کے آنے کے بعد سے اب تک جو ہے وہ بدحالی، معاشی بدحالی اور کاروباری جس کو کہنا چاہیے کہ کاروباری چیزیں جو ہے وہ مستقل ڈاؤن ہوتی گئی ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں توقع ہے کہ اب جو یہ لوگ کر رہے ہیں اس سے امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ بہتری آئے گی۔
सर क्या कहेंगे महंगाई के बारे में जो आवाम रिलीफ पैकेज जरिए महंगाई तोड़ने के लिए? ये तब्दीली तो बहुत ही बुरी आई है भाई। नहीं अब माफी नहीं आई? नहीं बिल्कुल माफी नहीं आएगी, कुछ होगा। देखो भाई हर दफ़ा वो यही कह रहा है भाई, घबराना नहीं, इसी तसल्ली में आ जाते हैं लोग। कारोबार अलग नहीं है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, लोगों की आमदनियाँ कम, अखराज बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर कहाँ से लोगों को रिलीफ मिलेगा? और आपको मालूम है वैसे ये लोग यहाँ पथारे सारे ठिए वगैरह वैसे सब हट चुके हैं, तो लोगों को रिलीफ कहाँ से मिलेगा? ज़िंदगी गुजारने की जो चीज़ें हैं उनको ये नीचे नहीं लेकर आएंगे, बल्कि नए नए रिलीफ निकालते रहेंगे और लोगों को घुमाते रहेंगे। ये इनका काम है घुमाना। यहाँ पेट्रोल के ऊपर दाम बढ़ा देना, बिजली के बिलों पर दाम बढ़ा देना, गैस के दाम बढ़ा देना, और फिर एक शोशा छोड़ देना कि रिलीफ निकाल लिया 15,000 का, रिलीफ निकाल लिया 2,000 का। ये हुकूमत, ये सियासत चल रही है आवाम के साथ, ये आवाम को रिलीफ नहीं दे रही है, ये आवाम के बारे में सोच नहीं रही है, ये सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। आप यकीन जाने कि इतना मंदा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। ये वो बाजार है जहाँ पे बंदे को चलने की जगह नहीं होती और हमें गाड़ी की पार्किंग एक मिनट में मिल गई। बात ये है कि यहाँ जिन दुकानों का किराया 1,80,000 रुपये था, आज वो 30,000 रुपये में मिल रही हैं। वो जो मालिक है वो किराएदार ढूँढ रहा है, किराएदार आ नहीं रहा है। हुकूमत किसी भी लिहाज से किसी भी तरह पब्लिक का साथ नहीं दे रही है, ना वो तादरों का साथ दे रही है। कोई रिलीफ नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है किसी भी किस्म का। कल परसों एक कन्वेंशन भी है तादरों का, हम उसमें भी फैसले करेंगे। देखो मरे को मारे शाह मदार, कि हमारे पास कारोबार नहीं है, ऊपर से आप हमें वो भी दे दो, ये शादी कार्ड की फ़ोटो कापी भी दो, कैसे दे दें? हमारे पास ज़्यादा लेडीज़ आती हैं, हम लेडीज़ से शादी कार्ड मांगेंगे तो हमको जूतियाँ मारेगी, दोबारा हमारी दुकान में थोड़ी आ गई। हम अपना पेट काट के हुकूमत के ख़जाने में टैक्स भरते हैं। मैं पिछले 26 साल से टैक्स पेयर हूँ, जितने मेरे हिस्से में जो आता है मैं हुकूमत के ख़जाने में जमा करूँ। और एक किस्म का टैक्स नहीं है, किस किस कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर टैक्स नहीं है? तो अज़रा करम मैं इनसे ये गुजारिश करूँगा, बींग एक ताजर, बींग एक शहरी, बींग एक पाकिस्तानी, आवाम का सोचें, एक दूसरे की टांगें मत खींचें और ओरिजिनल रिलीफ दें। ये जो 15 अरब रुपए की आप कह रहे हो सब्सिडी, ये उन्हीं जगह में चली जाएगी जो खजाने से निकल के वहाँ तक जाएगी। आवाम के लिए रिलीफ पैकेज निकाला है हुकूमत ने, कुछ फ़ायदा होगा आवाम को? नहीं, कोई भी फ़ायदा नहीं होगा भाई आवाम को, जैसे आवाम है वैसे ही रहेगी। मतलब जो आटा दाल चीनी वगैरह के मत में नहीं, वही घी में कहा था 5 रुपये कम कर रहे हैं, 10 रुपये कम कर रहे हैं, फिर 5 रुपये बढ़ा दिया, किस हिसाब से वो रिलीफ दे रहे हैं आवाम को? कोई रिलीफ नहीं आवाम को, आवाम जैसे है वैसे ही रहेगी, कोई किस्म का फ़ायदा ना होगा ना हो रहा है, कुछ भी नहीं होगा इस गवर्नमेंट में। तो जो लग रहा है आज तक तो यही दिख रहा है, आगे अल्लाह की मर्ज़ी है, हो सकता है हमारी गवर्नमेंट कुछ काम कर जाए और अच्छा रिलीफ पैकेज मिल जाए। अभी तक कोई उम्मीद नज़र नहीं है? अभी तक तो कुछ भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही। सर क्या लगता है आपको, आवाम को जो रिलीफ पैकेज देने जा रही है हुकूमत, उससे कोई फ़ायदा होगा? मुझे तो नहीं लगता फ़ायदा होगा। नहीं लगता आपको? मुझे नहीं लगता। क्यों, क्या वजह है? अभी तक सिर्फ दावा ही है, काम तो कुछ भी नहीं है।
महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कारोबार है नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, आप ये देख लें कि सख्ती पे सख्ती आ रही है और हर इंसान परेशान पे परेशान है। जिस हिसाब से हमने वोट दिया था इमरान खान साहब को, तो वैसा पाया है नहीं हमने। मतलब ऐसी तब्दीली तो हम नहीं चाह रहे थे कि बिल्कुल ही तब्दील हो के रह जाए। ठीक है, तब्दीली हमारे अंदर से निकल रही है, बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। ज़रा थोड़ा सा मतलब इमरान खान साहब को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। ये अभी जो इन्होंने पैकेज दिया है, इस पैकेज से हमें गरीब आदमी को क्या फ़ायदा, मुझे बताएं। यूटिलिटी स्टोरों पर कितनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी होती हैं, कभी इमरान खान या उनकी काबीना के किसी बंदे ने वहाँ से शॉपिंग की है? या उनका जो आटा चीनी देख लें, उसका स्टैंडर्ड देख लें, दालें देख लें वो किस तरह की हैं, उनका स्टैंडर्ड देख लें। आम बाज़ार में से लोग खरीदते हैं या शिकायत भी कर रहे हैं, वहाँ पे आटा भी नहीं है, दालें भी नहीं है, बस फजूल में जनाब यह हमें एक लाली पॉप दिया जा रहा है, बस लाली पॉप पे लाली पॉप दे रहे हैं और कुछ भी नहीं है। गरीब आदमी मर रहा है, खुदकुशियाँ कर रहे हैं लोग, कितने लोग हैं। कल परसों एक ट्रेन में वो और लेडीज़ ने जनाब खुदकुशी कर लिया है, तो वो क्या है, ये सब इन पर आंसर नहीं जाएगा। डॉक्टर साहब आपका नाम क्या है? डॉक्टर साहब ये आप पासपोर्ट आप ब्लैकमेल मुझे कर रहे हैं, हाँ। तो पासपोर्ट आप रख सकते हैं अगर सर टेस्ट का पासपोर्ट सर मुझे ये बताएं कि आप पासपोर्ट कैसे रख सकते हैं? आप नहीं भागेंगे हम, आप पासपोर्ट किस कानून के तहत सर आप पासपोर्ट किस कानून के तहत सर आप पासपोर्ट किस कानून के तहत रख रहे हैं सर आप पासपोर्ट किस तरीके से रख रहे हैं, किस वजह से आप पासपोर्ट किस वजह से रख रहे हैं, आप पासपोर्ट किस वजह से रख रहे हैं? ये इधर बैठे हुए हैं कोरोना वायरस के वजह से ये तंग कर रहे हैं बार बार और ये ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। रिजवान साहब हैं, इनकी अभी शक्ल देख लें, ये भी जो है ना वो पैसे जो है ना आपसे भी इन्होंने पैसे मांगे, इन्हों से भी इन्होंने पैसे मांगने की कोशिश की है और बार बार जो है ना ये इस नाम पे ये एक धंधा कर रहे हैं और लोगों को ये तंग कर रहे हैं। ये हमारा हाल चल रहा है यहाँ पर, ये पुलिस वालों ने बेचारे गरीब का ठेला अंदर तक फेंक दिया और ऊपर से पेटे वगैरह ऊपर से ला के फेंक किए हैं। हर बंदा परेशान खड़ा हुआ है यहाँ पर, मेरा तो हैरत है इस मुल्क में गरीब कहाँ जाएंगे। किस बात का रिलीफ होगा? आज तक किस कमेटी ने आके कहीं छापा मारा है, किसी को ले गए हैं या किसी से बात की है? अपनी मर्जी के भाव चल रहे हैं। आटा 50-60 रुपए किलो था, 80-70-75 रुपए किलो हो गया है। हम तो केला बेचने वाले हैं, केला ही बेचेंगे इंशाल्लाह ताला सारी जिंदगी। ये तब्दीली है, ये क्या तब्दीली है? गरीबों का खून चूस लिया उसने। क्या कहेंगे ये जो वजीर आजम साहब कमेटियाँ बना रहे हैं कि आवाम को रिलीफ मिलेगा? सब बकवास है, सब बकवास। ये तब्दीली है, ये क्या तब्दीली है? गरीबों का खून चूस लिया उसने। तब क्या ना नवाज शरीफ साहब को गरीबों को फ़ायदा मिलता था, ये क्या फ़ायदा है? लोगों को चीज़ें करवा रहा है, लोगों को करवा रहा है, हाई कोर्ट से क्या अपील है? ये अपील थी गरीबों को खून चूस ले? ये वजीर अजम नहीं चाहिए भाई, नवाज शरीफ चाहिए था या भुट्टो सही थी। आपको ये लगता है कि आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा, सस्ती होंगी चीज़ें? नहीं मिलेगा, सब आवाम को नहीं, सब रो रहे हैं, सब बात दुआ कर रहे हैं। सही है, वजीर अजम अच्छा होता हम तारीफ करते, शुरू में ये कहता ये दावा देता था हम ये करेंगे हम वो करेंगे, क्या किया है? कुछ भी नहीं किया भाई। आटा मुश्किल है, चीनी मुश्किल है, क्या स्कूटी क्या करेगा था? 12,000 तनख्वाह क्या गुजारा हो यार, ये बताओ। एक वक्त का होता है, एक वक्त का गरीब के पास नहीं होती। सही है, अमीरों का क्या है, उनको भी गुजारा नहीं गुजार रहा। एक टाइम की आवाम भूखा बैठो पता चले ना उसको, वो तो क्या मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जब वोट देने के लिए आते हैं, मीठी मीठी प्याते प्यारी प्यारी बातें करके आवाम को। आटा 50-60 रुपए किलो था, 80-70-75 रुपए किलो हो गया है। हम तो केला बेचने वाले हैं, केला ही बेचेंगे इंशाल्लाह ताला सारी जिंदगी। 800-1,000 रुपए की पेटी थी, तो अभी 2,500-2,600 रुपए कर दी महंगाई इतनी है, गरीब आदमी क्या करेगा बेचारा। वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी बनाई है जो ये काम हो रहा है, कमेटी कभी नहीं बनेगी भाई इंशाल्लाह ताला, हमारी जिंदगी हो जब तक है तो हम तो नहीं सुनेंगे, कभी बनेगी नहीं, नहीं बनेगी। आवाम को कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं हो रहा, आवाम खुद परेशान है इतनी भाईजान। आवाम अभी जो ये बजट निकाल रहे हैं इसमें आप देख लेना कि पेट्रोल 112-113 है तो 140 पहुँच जाएगा, जो हर एशिया जो है हर चीज़ महंगी होगी। बजट में बोलेंगे टैक्स जमा नहीं हुआ,
फलानी कौम ने खजाना खाली पड़ा हुआ है, इसमें अब बजट में कमी आ गई है कि अगले साल फिर ये जो बजट आएगा सहूलत होगी। इस बजट से कोई ताल्लुकात नहीं। आप ये देख लो पाकिस्तान में एक कचरा जो है ना, कचरा भी बिकता है यहाँ, किसी मुल्क को भी बेच दो, कर्जा पाकिस्तान का कुछ भी नहीं है। अगर इनकी नीतें ठीक हों तो ये कर्जा साल की मार भी नहीं है। बाकी गवर्नमेंट जो भी आती है पहले लारे देती है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कि हम आपके लिए सहूलतें पैदा करेंगे, सहूलतों की बजाय कि जो कुछ पड़ा होता है वो भी समेट के ले जाते हैं कि भाई 5 साल के लिए हम बीमार हो गए, हमारा इलाज बाहर होगा, हम ये कर देंगे, हम वो, के बाद गरीबों को कोई सहूलत नहीं मिलेगी। अभी वज़ीर आज़म ने कहा कि वो कमेटी बना रहे हैं यार, आवाम के लिए कमेटी क्या है, कितने साल हो गए हुकूमत को, दो साल तक क्या सुन रहे हो, कमेटियाँ बन रही हैं तो कमेटियाँ बनती रहेंगी, 5 साल तक तो कमेटियाँ बनेगी, अगले इलेक्शन तक कमेटियाँ ही आएंगी, वो पता नहीं निकलेगी कब, कमेटी खुलेगी कब, हाँ वो खिलेगी कब, निकलना ही समझ लो, ये निकल ही जाएंगे ना बाहर, खोलने से पहले ही निकल जाएंगे। क्या कहेंगे सर, हम तो वही कहेंगे कि अंधेर नगरी चौपट राजा, हाँ अनसर बाजी ने टके सर खाजा, समझे, ये बिल्कुल जो बात की जाती है कमेटियाँ बनेंगी आप जैसे आप कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कमेटी बनेगी और आगे तक उसको फॉलो करेगी। आवाम को फायदा होगा इससे, आवाम से कमेटी बनने से आवाम को क्या फायदा होगा, वो बोलेगा आवाम को रिलीफ दें, सस्ता करें, किस बात का रिलीफ होगा, आज तक किस कमेटी ने आके कहीं छापा मारा है, किसी को ले गए हैं या किसी से बात की है, अपनी मर्जी के भाव चल लें। रोजाना आप जाइए हर चीज पे रेट बढ़े हुए, समझिए आज आप डब्ल्यूटी लेने जाए 40 रुपए की, कल आप लेने जाए 50 रुपए की, भाई किस तरह की महंगाई है, हर चीज़ महंगी है, कोई भी चीज़ आप बता लेंगे सस्ती हो, समझ गए, हर चीज़ अब आप देखें ना, अभी मिर्ची हरी मिर्ची लेने गया वो इतनी महंगी 20 रुपए के चार जाने, मिर्ची लेने जाओ मिर्ची लग जाती है, मिर्ची लग जाती है, वो तो आप हालत ख़राब है मालूम है, और करेले का तो पूछा ही नहीं आप। वज़ीर आज़म साहब ने एक कमेटी बनाई है, वो बोलेंगे कुछ भी हो महंगाई पर काबू करना है और आवाम को रिलीफ देना है, ये सब टोपी ड्रामे हैं, समझ गए, हालांकि मैंने खुद PTI का वोट दिया, ऐसी बात नहीं है, समझ गए, पहली बार हटके वोट दिया MQM से, लेकिन आप ये यकीन करें कि टोपी ड्रामे ये सब कुछ भी नहीं होगा, आप देख लीजिएगा इसका ये महंगाई, वो बेचारा कमेटियां बनाता रहेगा और ये वो क्यों कमेटी में जो बैठे हैं वो खुद ही यार, आप 43% तो ये शुगर इनकी अपनी है, कमेटी के अंदर आदमी उनकी है, फिर आप बताइए तो कैसे, जब ये नहीं कम कर सकते, फिर चले पहले तो वो नवाज शरीफ था वो चोर था, सब चला गया खलासों के बाद, अब क्या मसला है, अभी तक 2 साल हो गए उसी की टांगे खींच रहे हैं, वो पिछली हुकूमत ने ऐसा किया, पिछली हुकूमत ने, अरे आप भी तो कुछ करके दिखा दो मेरे भाई, समझ गए, आवाम को रिलीफ दिया था कि यूटिलिटी स्टोर में सामान डालेंगे, डालें चीज नहीं है वो, यार कितने कुछ नहीं मिला लोगों, आम मुझे बताएं 1% लोग भी यूटिलिटी स्टोर नहीं जाते, समझ गए, कोई भी आप बता दें मुझे यहाँ से, आप बता दें यहाँ तो यूटिलिटी स्टोर ही नहीं है, हमने सर्वे किया वहाँ सामान ही नहीं है, मैं आपसे बोलता हूँ टोपी ड्रामे है सब, समझ गए, ये सब टोपी ड्रामा है, झुंझुना देखे बस वो आवाम खुश हो रही है कि यार कल सस्ताई हो जाएगी, कल सस्ताई में कल आया तो कल भी वही रेट है साले, आज भी वही रेट है, वो इसका बारे वो क्यों नहीं बता रहा है कि 3,000 का बिल लेकर कंटेनर में खड़ा होकर बोल रहा था कि यार वही बिल 10,000 का आता है, उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा, नहीं मैं ये रिलीफ करूँगा वो रिलीफ दूंगा और कुछ हो नहीं रहा, आटा सस्ता होगा चीनी सस्ता होगा वो बोलते हैं, अगले बार कुछ होता ही नहीं है, ये बस सिर्फ डपोसले हैं, आगे बोलते हैं आवाम बनाने चले जाते हैं और कुछ नहीं है। सर क्या कहेंगे ये जो हुकूमत कमेटी बना रही है आवाम को रिलीफ देने के लिए कि सस्ता करेंगे और आवाम को बड़ा रिलीफ मिलेगा उस पर? सर ये सिर्फ बातें कहने की हद तक हैं, इस पर मकसद प्रॉपर्ली कोई वर्किंग नहीं है। आपको नहीं लगता कि आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा, सस्ती होंगी चीज़ें? आवाम को तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, आवाम हमेशा ही मकसद है कि बिस्ती रही आई और बिस्ती रहेगी, क्योंकि आवाम को आज तक वो दिया ही क्या गवर्नमेंट ने, अभी जैसे हिसाब से मकसद है कि बेरोजगारी महंगाई इतनी कम हो गई है, हर चीज़ मकसद अभाव है, अब मुझे ना मकसद है कि आउट ऑफ रेंज है, अब 15,000 कमाने वाला बंदा मकसद है कि फैमिली को कैसे सर्वाइव करेगा, पॉसिबिलिटी नहीं है, सिर्फ कहने की हद तक है बस, उसके लिए तो बस जो मुझे ना अल्लाह ही हाफिज़ है। आप उम्मीद कोई नज़र नहीं आ रही? उम्मीद तो कुछ भी नहीं है बस, नहीं कुछ भी नहीं है। हुकूमत ने जो कमेटी बना रहे हैं बोले आवाम को रिलीफ देंगे, तो आपको लगता है कुछ उम्मीद है कि कुछ बेहतरी आएगी? हाँ बिल्कुल उम्मीद तो है कि बेहतरी आएगी, और दूसरे देखें हम महंगाई को इसलिए बर्दाश्त करें कि आगे कुछ और अच्छा हो जाए, हमारे बच्चों के लिए कुछ अच्छा हो, तो हमें उम्मीद तो पूरी है कि इमरान खान बहुत अच्छा करेंगे, हम आगे कुछ अच्छे इकदाम लेंगे। देखें ये तो एक कड़वी गोली है कि हमें निगलनी पड़ेगी अगर हम कुछ बहुत अच्छा चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, तो पहले अगर इतनी महंगाई नहीं थी लेकिन हमें ये नहीं पता था कुछ अच्छा नहीं हो रहा था हमारे लिए, वो उनके लिए अच्छा हो रहा था, क्या हुआ लेकिन नहीं आगे उम्मीद है कि अच्छा होगा,
हाँ मतलब जो उन्होंने ये सख्त इकदाम लिए हैं तो इसके लिए हम इसमें भी हमारा कुछ फ़ायदा ही होगा, कुछ बेहतरी होगी। इंतज़ार करें हम लोग। हाँ इंतज़ार करें और कुछ थोड़ा सब्र करें और बर्दाश्त करें। कुछ अच्छे के लिए कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, कुछ अच्छे के लिए कुछ खोना पड़ता है। हाँ बिल्कुल सही है। तो आप लोग इंतज़ार नहीं करें, आप लोग फौरन वीडियो देख कर आएँ, वीडियोज़ के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। ये देखिएगा दोस्तों, गाड़ी का नंबर कोई मेंशन नहीं है। गाड़ी का नंबर क्यों नहीं मेंशन किया हुआ आपने? गाड़ी का नंबर रश में नहीं लगाते। रश में नहीं लगाते आप? ये रश में नहीं लगाते नंबर आप? हैं एमटेक लगवा ले। एमटेक क्यों लगवाऊं? वीडियो बंद करें। नहीं वीडियो क्यों बंद करूं? कमांडर बुलाए कमांडर को अपने। वीडियो ये आप क्या कर रहे हैं? ये क्या कर? गाड़ी का नंबर क्यों नहीं मेंशन कर रहे हैं? आपने गाड़ी का नंबर आपने बताया इसे? क्यों बताया? कैमरे नहीं लगे हुए? हमने रिचार्ज भी लगाया हुआ है, इसलिए लगाया कि आप गाड़ी पे अपने एमटेक लगवाएं। एमटेक क्यों लगवाएं हम? ये आप नंबर क्यों, यहाँ पे नंबर आपने मेंशन क्यों नहीं किया? नंबर क्यों नहीं मेंशन किया? आप अगर बताएंगे तब वो नंबर। नहीं क्यों नंबर? ये कैमरे किस चीज के लिए लगे हैं? कैमरे लगे हैं किसी और चीज के? किस चीज के लिए लगे? किस चीज के लिए लगे? आपके लिए नहीं लगे? किस चीज के लिए? हम यहाँ पे टैक्स पेड कर रहे हैं, हम यहाँ पे आपको कर रहे हैं तो मेरे। नहीं ये आपको ये पर्ची के ऊपर आना नंबर क्यों? आपने पैसे लिए हैं हमसे? नंबर की जगह हमने क्या लिखा है वो बताया? कुछ भी नहीं, 0000 लिखा है। क्यों लिखा है? अगर आपको इसमें कोई शक है ना। क्यों लिखा है आपने? मैं ये गाड़ी चला गया हूँ मोटर वे, गाड़ी चला गया। आपने पैसे लिए हैं? किस चीज के पैसे लिए हैं? आपको पर्ची दी है। किस चीज की स्लिप दी है? स्लिप पे 0000 है, इसमें तो मेरी गाड़ी का कोई नंबर ही नहीं है। कैसे 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 क्यों एमटेक लगवाए? एमटेक लगवाए? एमटेक क्यों लगवाऊँ? वो मेरी मर्जी है, वो मैं लगवाऊँ ना लगवाऊँ मेरी अपनी सहूलत है। अगर आपने एमटेक लगवाया? नहीं आप ये जो मुझे गाड़ी का नंबर चाहिए सर, ये मेरी गाड़ी का नंबर क्यों नहीं लगा? लगा देते हैं। नहीं लगाए मेरा नंबर, गाड़ी का नंबर लगवाया। वीडियो नहीं मैं बंद करूंगा, वीडियो क्यों बंद करूं मैं? मेरा राइट बनता है ये। गाड़ी आगे करें आपको चिट मिल जाती है। चिट दें मुझे, चिट दें तो गाड़ी आगे जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी भाईजान, नहीं जाएगी गाड़ी ऐसे। यार चिट दें 9713 गाड़ी का नंबर लगवाए। लगा देना यार, कौन सा मसला है इसमें? सर ये देखें, ये गाड़ी को नंबर यहाँ पे नहीं लगते, यहाँ पे हमसे पैसे लिए जाते हैं और गाड़ी के नंबर पे 0000 लिख दिया जाता है, यहाँ पे गाड़ी का कोई नंबर नहीं लिखा जाता। बाद में ये फिर बदतमीजी करते हैं, ये बदमाशी करते हैं, आगे से फिर ब्लैकमेलिंग करते हैं, एम टैग नहीं लगवाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये आप सब लोग देख लें, मेरी खसूसन ये वो जो है शहरियार अफरीदी साहब से अपील है कि इन लोगों पर नोटिस लिया जाए। ये लोग हैं, ये देखें इन, ये लाहौर का ये टोल प्लाजा है, यहाँ पे ये इन लोग। अभी मैं नंबर लगवा रहा हूँ। 9713 पहले जो सुकून से खाते थे अभी चिंते से खाते हैं, अभी बहुत परेशानी होगी। बनाती रहेंगी कमेटी, इनके साल पूरे हो जाएंगे, बस क्या बनेगी कमेटी? कुछ नहीं होगा कमेटी से। 15,000 रुपए तनख्वाह वाला या 16,000 रुपए या 10,000 रुपए तनख्वाह वाला क्या करेगा? ये तो अपने मिनिस्टरों के लिए कह रहे हैं बार बार के तनख्वाही बढ़ाओ तनख्वाही बढ़ाओ, ये तनख्वाहियों के लिए लोगों की खिदमत के लिए थोड़ी क्या यहाँ पे। सर क्या कहेंगे, ये जो हुकूमत अभी आवाम को रिलीफ देने के लिए कमेटी बना रही है तो कोई फ़ायदा होगा, आवाम को रिलीफ मिलेगा? मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है हालात देखते हुए तो। डरे हुए सब। हाँ ऐसी बात है, तो ये महंगाई का डर और खौफ है सारा। डर सी बात है, महंगाई का ही है अभी तो। आपको लगता है कि ये कोई सस्ता होगा मामला, महंगाई ख़त्म होगी? फिलहाल अभी तो कोई मुस्तकबिल करीब में तो नहीं लगता मेरे ख्याल, कम अज़ कम 5-6 महीने से पहले तो मुझे लगता है नहीं लगता। नहीं तो क्या कहेंगे महंगाई के बारे में, जो इतनी बहंगा महंगाई पड़ी हुई है? महंगाई तो जाहिर सी बात है हमेशा से ही होती जा रही है, अभी कुछ ज़्यादा हो गई है। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। रोटी खो रही थी? शुक्र अल्लाह एहसान। क्या कहोगे महंगाई के बारे में? महंगाई के बारे में कि हम एक दूसरे का ख्याल रखे तो कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से भाई। हाँ ऐसा रखे कि अगर जायज़ करे ना जायज़ नहीं करे, 100 रुपये का चीज़ लाए 120 का बेचे, ये नहीं कि 200 रुपये का बेचे तो काम गलत हो जाएगा भाई। वैसे ही सरकार का नाम जा रहे, महंगाई क्या महंगाई है? रोटी कोई नहीं खा रही? खा रहे बाबू, रोटी अल्लाह का शुक्र है, जितना के भी हो जाए मिलेगा अल्लाह के रहमत से सब। क्या कहेंगे भाई? कहेंगे लोगों का ख्याल रखें, हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं लोग। नहीं जो हुकूमत के ऊपर सही इल्ज़ाम लग रहे हैं ना, सही लग रहे हैं बिल्कुल। कुछ नहीं कर रही हुकूमत? हुकूमत बिल्कुल कुछ नहीं कर रही सर। हम इधर से पंजाब गए हैं वोट देने के लिए इमरान खान को। अच्छा। और जितवाया भी उसको झूमर ताड़ी खेली, ऊपर से अभी हमारी रोटी छीन ली। 10,000 हमारी तनख्वाह है और कोई पूरा ही नहीं हो रही, खाना खाएं क्या करें? दाल रोटी भी मुश्किल हो गई है, गुजारा मुश्किल हो गया सर। पहले जो सुकून से खाते थे अभी चिंते से खाते हैं, अभी बहुत परेशानी होगी। जो
हुकूमत ने कमेटी बनाई है जो ऐलान किया है अभी कि आवाम को रिलीफ देंगे। तो ये हुकूमत तो ऐसे बोलती रहती है, तीन साल से हम भी सुन रहे हैं, जो मिलेगी मिलेगी, जिगरा धारो हौसला रखो, वही हौसला भी रख रहे हैं जिगरा भी रख रहे हैं, लेकिन नज़र कुछ नहीं आ रहा। बस हम क्या कहें, हमारे को बगा रहे, बार ये नहीं छोड़ रहे, अंदर घर वाला नहीं होगा, ये कमेटी बनी से फायदा अल्लाह ही बेहतर करेगा, हमारे को तो नहीं लग रहे मेरे भाई, सर क्या कहेंगे ये महंगाई के बारे में, और ऊपर से अभी हुकूमत ने अभी कमेटी बनाई है कि आवाम को रिलीफ मिलेगा, सस्ता होगा, सर आपको कुछ ऐसा होगा? बहुत मुश्किल है सर, अभी हालात तो ऐसे हैं कि आपको बताइए पाकिस्तान किस साइड पे जा रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा महंगाई होगी, गरीब आदमी बिल्कुल जो है ना वो तो ख़त्म हो गया, कारोबार नहीं है, लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं, महंगाई भी नहीं, कुछ भी नहीं, ना कारोबार है ना कोई नौकरी है ना कुछ भी नहीं, बिल्कुल गरीब आदमी तबाह हो गया। बस आपको ही लगता है कि इस कमेटी से कोई फ़ायदा होगा? बहुत मुश्किल है सर, कमेटियाँ कितनी बनी हैं, आए दिन तो कमेटियाँ बनती हैं। अभी कुछ दिनों पहले कहा था कि रिलीफ मिलेगा यूटिलिटी स्टोर के, 6 अरब रुपये का रिलीफ दिया था, पैकेज दिया था कि 6 अरब रुपये में आवाम को रिलीफ देंगे, उसमें कोई फ़ायदा नहीं। मुश्किल है, गरीब आदमी जाता है तो अगर दाल मिलती है तो चीनी नहीं है, चीनी मिलती है तो घी नहीं है, ऐसे ही है। मामा क्या कह रहे थे महंगाई के बारे में? मैं ये जो है ना चीनी जो महंगा हो गया, इसमें जो है ना इतना कितने पैसे पैदा हो गया, कितने पैदा हो गया इसमें, एक दिन में कितने पैदा हो गया? बहुत फायदा हो गया, हाँ बहुत पैदा हो गया, गरीब तो बिल्कुल तबाह हो गया, 45 रुपये चिली मिल रहा था अभी 80 रुपये, 10 रुपये का रोटी मिल रहा था 8 रुपये, अभी जो है ना कि 15 रुपये, यहाँ मैं कितने, मैं जौहर चुरंगी से आया हूँ, ये रोटी यहाँ पे 12 रुपये के दे रहे हैं, और रोटी यहाँ लाएंगे 10 रुपये का है, आगे जो दूसरा होटल वाला है वो 15 रुपये के दे रहे हैं, तो गरीब आदमी क्या करेगा, 15,000 रुपये तनख्वाह वाला या 16,000 रुपये या 10,000 रुपये तनख्वाह वाला क्या करेगा? ये तो अपना मिनिस्टरों के लिए कह रहे हैं बार बार के तनख्वाही बढ़ाओ तनख्वाही बढ़ाओ, ये तनख्वाहियों के लिए लोग खिदमत के लिए थोड़ी गए यहाँ पे। बस क्या करें, महंगाई देखें आप कितनी हो गई, आप खुद देख रहे हैं महंगाई, आटा चीनी दाल सारी चीज़ें महंगी हो गई, CNG नहीं मिल रही है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, हर चीज़ तो महंगी है सर, और बंदा क्या कर सकता है बताए। अभी ऊपर से इमरान खान ने कहा कि हम कमेटी बना रहे हैं आपको रिलीफ देंगे, आवाम को रिलीफ दे, आवाम को रिलीफ देने से अच्छा कमेटी बना दे, घर जो बना रहे हैं फायदा होगा, आवाम को रिलीफ दे देना, घर नहीं बनाए राशन नहीं बांटे, सस्ता कर देना, आवाम को रिलीफ की चीज़ का दे रहे हैं आप, चीज़ें सस्ती करते हैं आप, नहीं हमें घर नहीं चाहिए, आपने जो 1 लाख घर का बोला, नौकरियां बोला, हमें कुछ नहीं चाहिए, रिलीफ दे दें, सिर्फ रिलीफ दे देंगे तो हमारे लिए सब कुछ आसानियाँ हो जाएंगी सर, हम कोई चोरी डकैती फिर नहीं होगी ये चीज़ें। अगर इमरान खान ने पहले बड़े दावे किए थे बिल बढ़ेगा तो ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, अब बिल इतने आ रहे हैं बिजली के भी गैस के भी, CNG आज आते ही 3 महीने हो गए बंद हुई है CNG। बहुत बुरा हाल है, महंगाई के बारे में क्या बोले, सबको पता है, आपको पता है, हमें पता है, कमेटी बना रही है कि आवाम को रिलीफ देंगे, सस्ता करेंगे, जब देंगे तो पता चलेगा, फिलहाल तो कोई नहीं है ना फायदा, फायदा नहीं है, बिस्तरी है वो बनाती रहेंगे कमेटी, इनके साल पूरे हो जाएंगे, बस क्या बनेगी कमेटी, कुछ नहीं होगा कमेटी से, आवाम बिस्तरी है, किसी को कोई फायदा नहीं होगा कमेटी से, जो मर रहे हैं मरते ही रहेंगे बस। हुकूमत कमेटी बना रही है क्या आवाम को रिलीफ देंगे, कोई फायदा नजर आ रहा होगा? कुछ भी नहीं होगा, ये सब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये आवाम चाहे शुरू दिन से पिस्ती भी आ रही है और पिस्ती रहेगी, मामला यही है, ये कुछ भी नहीं होगा। तो ये अभी उन्होंने कहा कि हम कुछ भी हो जाए लेकिन आवाम को रिलीफ चाहिए, आवाम को रिलीफ देना है, तसल्लियाँ देने वाली बात है सर, ये 70 साल से हम ये सुनते हुए आ रहे हैं और हमारी उम्र हो गई है, लेकिन ये है कि ये सब तसल्लियाँ देने वाली हैं, आवाम हमेशा बातों में आ जाती है, आवाम की गलती है, आवाम में तो कहता हूँ वोट देती क्यों है, अब बेवकूफ़ तो आवाम है ना, इनको वोट नहीं देना चाहिए, हाँ ये काबिल ही नहीं इनको वोट देना चाहिए, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ये तसल्ली दे रहे हैं, घबराना नहीं, आदमी कब्र में पहुँच गया है चक्कर के अंदर। जी सर, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस वक्त जो फजलुर रहमान साहब ने झटका दिया है ना कि दोबारा फिर निकलूँगा, तो उस पर रद्दअमल इमरान खान का आया है कि भाई जल्दी कुछ करना चाहिए, पब्लिक को अपनी तरफ करना चाहिए, और इमरान खान को करना भी चाहिए, बहुत लेट हो गया इस काम के लिए, उसको जल्दी ये अमल करना चाहिए, पब्लिक को गरीब आवाम को रिलीफ देनी चाहिए। अभी 1 रुपये का भी टैक्स लग रहा है, कितनी है पाकिस्तान की आवाम, कराची की आवाम कितनी है, 20 करोड़ है ना, 20 करोड़ जमा हो रहे हैं हुकूमत के खजाने में, तो एक टॉफी पे भी 1 रुपया जमा हो रहा है। कराची की आवाम 20 करोड़ है, पाकिस्तान की कितनी है? पाकिस्तान की होगी ज़्यादा, ये नहीं पता, इतनी मालूम नहीं है मुझे, लेकिन एक बता रहा हूँ कि ना कराची की जो आवाम है उसमें अगर 1 रुपया भी अगर जमा हो रहा है टैक्स के हवाले से, तो कम अज़ कम ये तो देखना चाहिए बंदे को कि भाई ये जो टैक्स जमा कर रहे हैं ये कहाँ जा रहा है, जा कहाँ रहा है,
किसके खाते में जा रहा है? गलत अकाउंट में तो नहीं जा रहा। हो सकता है जा रहा हो गलत अकाउंट में भाई। आप बोलो, लोगों को बोलो, आप लोग वीडियोस देख कर आए, मिलते हैं वीडियोस के बाद। आप लोग वीडियोस देख के आए, मिलते हैं वीडियोस के बाद। जबरदस्त आदमी है आप। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे गली के अंदर ये जो पोल है, वो ये पोल जो है वो बिल्कुल नीचे से गल गया है पूरा। आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा निकल गया है और ये जो ये इसके सहारे से खड़ा हुआ है। हमने DMC इसमें भी एप्लीकेशन काफ़ी दिन पहले दी हुई है लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। इसके तार भी सारे लगे हुए हैं, ये लाइटें वगैरह कोई गिरी किसी के ऊपर तो बच्चे भी खेलते हैं, इसको भी तकलीफ हो सकती है। फिर ये या गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती है, किसी के जाने नुकसान भी हो सकता है। और दूसरी बात ये इलेक्ट्रिक के साथ तार जो लाइट जा रही हैं यहाँ जो इन बगलों में जो कनेक्शन है इसके ऊपर भी गिरा तो ये लाइट तार गिर जाएंगे सारे। यहाँ से आप देखें ऊपर से सारे लाइट तार जा रहे, ये गिरा तो ये तार लाइट तार भी नीचे गिरेंगे सारे। तो उनसे रिक्वेस्ट है इधारों से जो भी लोग करते हैं उनसे कि मेहरबानी करके इसको फौरी करें क्योंकि बहुत ही जानी नुकसान का ख़तरा है। तो उनकी मेहरबानी होगी कम से कम इसको निकाल लें। तो हमें पोल भी नहीं चाहिए, इसको सही करके पोल भी ले जाएं साथ। आवाम दोस्त के पास नहीं है आवाम की इन मुश्किल का कोई खुलासा, क्योंकि हुकूमत दे रही है आवाम को सिर्फ दिलासा। कब और कैसे होगी ये महंगाई ख़त्म, इसी सवाल के साथ दें आवाम दोस्त को इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।